अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है मेरे दोस्त? तो हम ब्लॉग बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने लोगों को भी साथ ले लिया। सीन ये कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का सीन ये है कि आज हम रिवरलैंड दुबई जा रहे हैं, जो कि हम अभी एहतसलात पर हैं। एहतसलात से हम एहतसलात स्टेशन में हम मेट्रो में बैठेंगे, वहाँ से हम यूनियन बैठेंगे, यूनियन उतरेंगे, फिर यूनियन से हमने क्या कहते हैं एक्सपो 2020 मेट्रो पकड़नी है, एंड देन फिर हम आगे रिवरलैंड की तरफ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद एक और बस है। तो तीन स्टॉप्स के बाद हम रिवरलैंड पहुँचेंगे। आज का जो प्लान है वो रिवरलैंड का है, सो मेरे साथ रहिए। तो अभी हम फिलहाल मेट्रो में हैं, गर्मी बहुत है, सो आपको आगे की चीज़ें हम बताते रहेंगे, सो मेरे साथ रहिए। सो फाइनली हम मेट्रो में पहुँच चुके हैं और नेट चल रहा मेट्रो का आज, तो इसलिए हम सारे मेट्रो चल गए, तो नेट इज़ वर्किंग। सो अभी हमें कितने 45 मिनट्स लगेंगे यूनियन पहुँचने, 35 मिनट्स लगेंगे हमें यूनियन पहुँचने। यूनियन से फिर हम बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग यूनियन पहुंच चुके हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे कौन सी मेट्रो में जाएं, कौन सी मेट्रो से हमें करीब पड़ेगा। सो कौन सी मेट्रो में जाना है हमजा? हमें जाना है एक्सपोर्ट 2020। सही, मैं बिल्कुल सही था, तो हम एक्सपोर्ट 2020 में बैठेंगे और उसके बाद हम JLT उतरेंगे, एंड देन फिर आपको बताते हैं कि वहाँ से कौन सी बस हमें मिलती है। सो हमारे साथ, सो अब हम पहुँच चुके हैं जबल अली मेट्रो स्टेशन। अब हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं कि कौन सी मेट्रो पर हमने बैठनी है, तो इतने बतूल तो जाना है इसके बाद हमें, तो उसके लिए हमें ऑरेंज लाइन में बैठना होगा। लेकिन फिर भी हम सर्च कर रहे हैं, क्या पता किसी कोई बस जाती हो यहाँ से। सो फिलहाल दे आर सर्चिंग, और इतने बतूता के बाद फिर एक बस, इतने बतूता के लिए मेट्रो लेनी है हमने ऑरेंज लाइन, उसके बाद फिर एक बस लेनी है, एंड देन फिर हम पहुँचेंगे रिवरलैंड। सो नाम क्या था उसका? इब्ने बतूता, रिवरलैंड, रिवरलैंड दुबई। तो देख लो यार जल्दी, ये सामने लगा चला रहा, उफ ऐसी 19 किलोमीटर ना अभी भी 19। तुम सर्च करो यार, तुम क्या देख रहे हो यार, सर्च करो। वो रहा ब्रो, वो रखा हुआ यार, मज़ा आ गया। मतलब इतनी सड़ी गर्मी में आप दुबई में गर्मी महसूस नहीं कर सकते। हम अभी इधर हैं। अच्छा, अभी इधर जाना है तो फिर बेटा सर्च करो ना, फटाफट करो सर्च यार, टाइम नहीं है हमारे पास, जबल अली जाना है। हाँ, सो फाइनली हम इब्ने बतूता स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। अब हमने बैठना है DPR-1 रिवर आइलैंड के लिए। तो आप मेरे व्लॉग में देखेंगे तो आपको आसानी से सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी तक हम फिलहाल अभी भी 5 किलोमीटर से, तो हम DPR-1 में बैठेंगे और डायरेक्ट रिवर लैंड पहुँचेंगे 3 मिनट्स की वॉकिंग के बाद। सो फाइनली हम इब्ने बतूता होटल पहुँच चुके हैं और अभी हम बस का वेट करें DPR-1, जो कि 20 मिनट्स के बाद आएगी। और आप आज देख सकते हैं ट्रैफिक कितना है। सो इस ट्रैफिक के हिसाब से हम मिनिमम में मुझे लगता है हाफ आवर लगेगा। तो हमने सोचा कि आज ये भी विज़िट कर लेते हैं अपने बतूता होटल, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। सो उसके बाद हम ओ माय गॉश। सो फाइनली हम रिवरलैंड पहुँच गए हैं, और मैंने सुना है कि यहाँ पर आज फायरवर्क्स भी है। तो ये इसका एंट्रेंस है और हम यहाँ जा रहे हैं, और रश बहुत है हर जगह। ये यहाँ का समझे एयरपोर्ट कंट्री की तरह की सिटी है, जो कि बना है रिवरलैंड। सो दैट्स द रीज़न हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, पीछे आ रहा है भाई, सब पिक्चर फोटोशूट, ये काइंड ऑफ एयरपोर्ट कंट्री है यहाँ का। सो आपको दिखाएंगे सिटी है पूरा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर रिवरलैंड पर बढ़िया बस देख सकते हैं। फीलिंग तो ये थी चलो हम आगे चलते हैं, यहाँ क्यों, तो अब हम आगे जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो, तो सही पहले आगे यार, पिक्चर्स देंगे। सो ये काइंड ऑफ इटली बोल रहे थे कि लगता है, बट हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं है और ऐसी कोई वाइब नहीं है यहाँ पर। बस लोग हैं यहाँ पर, सही है सब कुछ, और रश इतना है कि आपको सही दिख नहीं पाए, क्या करें। शरत हमने सोचा चलते, ये है लेक वाली साइड और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये पूरा आपका है। इससे भी आगे अभी हम जाएंगे और आहिस्ता ऐसा कुछ चीज़ें देखेंगे। सो हम लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ कोई ऐसी इटली की वाइब्स तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है फायर वर्क से इसी के लिए सब वेट करें, तो खैर है कोई मसला नहीं। अब आ गए तो पैसे तो वसूल करने ही हैं यहाँ पर।
तो बहुत मेट्रो में खुआरी के बाद दशक के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। पसीने से भरा हाल है, गर्मी बहुत है और यहाँ रश बहुत है क्योंकि ईद का दिन है तो रश बहुत है। बट फिर भी यार कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं आपको और फायरवर्क्स का वेट कर रहे हैं, क्या पता नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं फीलिंग आ रही कि होंगे। किसी ने बोला था कि 8:30 बजे होंगे बट ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि 8:30 बजे फायरवर्क्स होते हैं। अगर हो गए तो फिर तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। सो ये पूरा है हमारा रिवरलैंड, रिवर आ गया है और ये पूरा रिवरलैंड है। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, आप खाना भी खा सकते हैं और बोट राइडिंग भी है यहाँ पर, और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, सिंगल बंदा भी यहाँ आ सकता है। तो ये प्ले एरिया है बच्चों का काइंड ऑफ और आगे तक ये सारे वेट करें फायर वर्क्स। ये आ गया है आपका प्ले एरिया। यहाँ का इंडोर फ्लेवर्ड नॉन गैलेक्सी गेम सेशन है और सही प्ले एरिया रश है आपका, जैसे वेट करने का काम है इसके अलावा नहीं, देखिए सारे वेटिंग में। और हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया, 60 ड्रम का 1 आवर पास है, सो हमारा तो कैंसिल हो गया क्योंकि रश बहुत है और अभी टाइम आएगा नहीं, फिर हमें जाना भी है, सो फिर हम कभी आएंगे। फाइनली आज का ट्रिप खत्म, अब हम लोग निकल रहे हैं अब, और अभी छुट्टियां बाकी हैं मेरी, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। सो फाइनली अभी यही प्लान था और यह आज का ख़त्म। रिवरलैंड हमने पूरा घूम लिया, इतना बड़ा है भी नहीं बस अच्छा है, फायरवर्क्स भी देखने को मिला, सो बहुत कूल। सो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।